भाई ये अलग लेवल का एडवेंचर है कोहरे का। दिख कुछ नहीं रहा इसमें। कल सुबह भाई याद दिलाई भाई, सुपर रख ले। सबसे पहला काम उठने के बाद पंचर ठीक कराना है। ये गाइस नील झरना 300 रुपये की एंट्री, 20 के लिए नीचे एक बंदे के 30। वेलकम गाइस, वेलकम बैक। अपनी राइड स्टार्ट हो गई है आज, और ये है अपनी राइड ऋषिकेश की। मैं जा रहा हूँ आज ऋषिकेश, और अभी मैं हूँ बुलंदशहर। बुलंदशहर से मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, और दिखाऊंगा आपको नए नए नज़ारे और रास्ते में क्या क्या मैंने देखा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा व्लॉग में। भाई ठंड जो है वो मीडियम दर्जे की, मीडियम लेवल की स्टार्ट हो गई है। हल्का हल्का फॉग भी होने लगा है। देखो गांव देहात की रोड पे आओ ना तो पता चलता है ठंड का। शहर में पता नहीं चलता, वहाँ तो पॉल्यूशन है यार। यहाँ पे है जो ठंड है। मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए। टाइम हो गया 6:56, ऑलमोस्ट 7 बज गया। तो देखते हैं, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी हमें है नहीं। स्पीड हमें कोई ज़्यादा बढ़ा के चलनी नहीं है। गांव की रोड, दोनों तरफ जंगल, बीच में रोड है। कितना बढ़िया व्यू है, अच्छा लगता है। अब ये आ जाएगा यहाँ से हाईवे, इस पर हम हो जाएंगे कनेक्ट। और बंदर राजा कहाँ बैठे वो। आगे से लेना हमें यू टर्न। गाइस ये आ गया है बुलंदशहर से ऋषिकेश के रास्ते में पहला टोल प्लाजा, फर्स्ट टोल प्लाजा। और शायद मुझे लगता है जितने भी हाईवेज के टोल प्लाजा है उन पर बाइक्स का कोई टोल नहीं लगता, और बाकी जो पेरिफेरल हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, उन पर शायद बाइक का टोल लगता है, हाईवेज पर किसी पर नहीं है। बाकी ये मेरे को लगता है, आपकी क्या जानकारी है आप भी कमेंट करके बताओ। और भाई आप सभी को गंगा पर्व, गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में ही श्री गुरु नानक जी की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सीन कुछ ऐसा है, मैं गया था बुलंदशहर गाज़ियाबाद से अपने दोस्त, अपने चड्डी बड्डी बचपन के यार अभिषेक के रिसेप्शन में। कल उसका रिसेप्शन था तो मैं बुलंदशहर रुक गया था, और मेरे को जाना था आज, और जा ही रहा हूँ ऋषिकेश। तो अपना जो प्लान है वो है 15 से 16 और 17, 3 दिन का ऋषिकेश का। होटल अपना बुक है, गो स्टॉप हॉस्टल है अपना जो बुक किया हुआ है, चल के दिखाऊंगा। ये है गो स्टॉप प्लस ऋषिकेश में। गो स्टॉप की 3 प्रॉपर्टी है ऋषिकेश में, एक है गो स्टॉप है एक, और एक गो स्टॉप प्लस है। तो ये नई प्रॉपर्टी है गो स्टॉप प्लस, कैसी है जाके पता चलेगा। और बजरनाथपुर आ गया, ये ब्रिजनाथपुर सॉरी, खाली पड़ी है रोड, और हम हो रहे चौड़, मतलब चौड़े, कमी वाहन है अभी रोड पर। ढावे आ गए अभी, अब आएगा आगे हापुड़। देखो ये ऊपर शायद ये पेरिफेरल ही बना हुआ है, व्यू पता नहीं कैसा आ रहा होगा यार। कैमरे की सेटिंग मुझे पता नहीं कैसे मैं ऑन किया और लेके चल दिया था। हापुड़ यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया बस। देखो कितना बढ़िया पुल बना हुआ है, शायद रेलवे का पुल है, रेलवे का ही पुल है भाई ये। टाइम हो गया अभी 7:27। हल्की हल्की मिस्ट हो रहा, उसको क्रॉस करते हैं ये। देखो
ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है गन्ने की, बच्ची भी उत्तर प्रदेश है भाई, वो भी भाई अपोजिट साइड आ रहा है भटियाणा। ट्रक को क्या हो गया, रोड के बीचों बीच में क्यों खड़ा है, ये मुड़ रहा है। अच्छा ये इंडस्ट्रीज आने शुरू हो गई, मतलब हापुड़ आने वाला है। अच्छी खासी ठंड लग रही है भाई बाइक पे, वो तो मैंने अच्छे से कवर किया हुआ अपने आप को, जिस वजह से मैं बचा हुआ हूँ ठंड से। गुनगुनाते चलो मस्ती में, ये भी हाईवे अच्छा बना हुआ है, टापम टाप एकदम। पर भाई जितना अच्छा हाईवे होगा, जितना अच्छा एक्सप्रेसवे होगा ना, उतना ही खतरनाक होगा वो। वो खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि आप सीधे सीधे चल रहे होंगे, आपको नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर दूसरी गाड़ी बड़ी तेज चलती है, किसी का टायर फट गया तो इम्बैलेंस होके कहाँ किसी में ठुक जाए पता नहीं। तो इसलिए भाई जितना भी अच्छा एक्सप्रेसवे होगा ना, आप अपनी गाड़ी को उस पर चलाने के लिए उतने ही टॉप कंडीशन में लेके चलो अपने वाहन को, चेक कर लो टायर की कंडीशन क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, अपनी गाड़ी को टॉप कंडीशन में रखो टॉप हाईवे पे चलाने के लिए। मेरा तो ये मानना है, आगे का कुछ नहीं दिख रहा, स्पीड 70 से एकदम 40-50 पे आ गई। ओफ गजब का कोहरा आया भाई ये, और ये कोहरा ही है, पोल्यूशन नहीं है, कोहरा ही है, क्योंकि इस वक्त हम खेतों से निकल रहे हैं। मेरे लेफ्ट में खरगोदा का बोर्ड लगा हुआ था, स्टेट मेरठ, कितना ज़बरदस्त कोहरा। आराम से चलाएंगे भाई, विजिबिलिटी कम होगी, एकदम से कम हो गया, अब थोड़ी ठीक हुई है, सूर्य देव आ गए, अब देखो एकदम से ठीक हो गई। और एकदम से कोहरा आ गया था, ये देखो फिर से कोहरे में जाते हुए, विजिबिलिटी कम होते हुए। टाइम अभी हो गया 7:57, 8 बज गया, मेरठ यहाँ से अभी 20 किलोमीटर है, अब थोड़ा ठीक है विजिबिलिटी। टिप देता हूँ, जब भी आप ऐसे कहीं कोहरे में फंस जाओ ना, मतलब एकदम से कोहरा आ जाए या अंधेरे में कहीं ड्राइव कर रहे हो, तो हाईवेज पे ना ये वाइट लाइन बनी होती है, ये लाइन देख रहे हो सर, तो इस लाइन को फॉलो करते हुए चलो, इस लाइन को फॉलो करते हुए चलो और आराम आराम से चलो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप रोड पे आराम से चल पाओगे। तो ये कभी भी ऐसा हो तो आप अपनी स्पीड कम कर लो और ये लाइन को फॉलो करते हुए चलो, बस इतना आपको करना है। और ध्यान रखो कोई रॉन्ग साइड से ना आ रहा हो, स्पीड आपको बहुत कम रखनी है। अभी मेरी बाइक की स्पीड होगी 50, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, देखो कोहरा चला गया एकदम से आ जाता है यहाँ पे, अब नहीं है। ये है सेंट जोसेफ कैथेड्रल मेरठ कैथोलिक चर्च, जो कि 1834 का बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है, आप देख सकते हो, लुक, प्रेज द लॉर्ड। भाई मेरठ क्रॉस ही किया था, और आज क्योंकि गंगा स्नान है तो हरिद्वार वाली रोड पे बड़ा जाम है यार, और देखो कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। बड़े आराम से चला रहा हूँ मैं, बुग्गी आ गई देखो, अब इसमें लाइट तो होती नहीं पीछे, तो आपको बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है भाई। और अपना इस रोड लाइन में चलाओ एकदम लेफ्ट वाले में, क्योंकि गाड़ियों का बड़ा जाम है आज, कुछ नहीं दिख रहा,
इतना कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा, बहुत कम दिख रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और ट्रैफिक बहुत है रोड पे, तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी, कोहरा ही कोहरा। इसमें कुछ पोल्यूशन भी मिक्स है, कुछ कोहरा भी है, तो सब कुछ मिला मिलू के ये बहुत ही हैवी सा हो गया, कुछ दिखना ही बंद हो गया भाई। ये अलग लेवल का एडवेंचर है कोहरे का, दिख कुछ नहीं रहा इसमें। रोड पे से बाइक उतारनी भी पड़ गई थी। ये देखो अब ये गन्ने की ट्रॉली आ गई, इसमें पीछे कोई लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर लगे हुए बस। आप अगर तेजी में हो तो इसमें घुसोगे कि घुसोगे। दो तीन राइडर भी दिखे, अच्छा लगा देख के, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। देखो ये भी जा रहे हैं, भाई इतना कोहरा मैंने कभी नहीं देखा जितना आज है। घनिष्ठ कोहरा, घनिष्ठ, मजा भी आ रहा है, एडवेंचर भी हो रहा है, डर भी लग रहा है और सारे इमोशन आ रहे हैं साथ साथ, डर का भी एडवेंचर का भी सब इमोशन मिक्स हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा भी लग रहा है, बहुत फनी सा भी फील हो रहा है। इतना कोहरा भाई, की स्पीड 40-50 यही है। कुछ राइडर गए अभी तो थोड़ी हिम्मत सी बनी, तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई भाई, मन चलिए आराम से रहा हूँ अब ना, इसी लाइन में जो वाइट पट्टी है इसी पे चल रहा हूँ। इसके अलावा मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा किसी तरह का। ढाबे बहुत सारे इस हाईवे पे और हर हाईवे पे आज भीड़ है, हर हाईवे के ढाबे पे आज भीड़ है क्योंकि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, 15, 16, 17। आज 15 तारीख फ्राइडे, कल फिर सैटरडे संडे छुट्टी, तो लोग मेरे को लग रहा सब निकल गए हैं अपने अपने वाहन लेके छुट्टियों पे। ओवरटेक में डर लगता है पीछे से गाड़ी ना आ जाए कोई, और भाई सही एडवेंचर चल रहा आज तो। ओए होए गजब, बहुत देर हो गई चलाते चलाते चलाते। इतनी सारी बाइक्स खड़ी है, थोड़ा लॉन्ग ब्रेक लेंगे यहाँ पे। सेटअप कुछ ऐसा है, भाई 10-15 हो गए हैं, 10:15 हो गए और अब तक क्रॉस नहीं किया मुजफ्फरनगर भी, और ये कोहरे की वजह से स्पीड और भी कम हो गई। दूसरा ट्रैफिक आज बहुत है हाईवे पे, लंबी लॉन्ग वीकेंड है, लंबी छुट्टियां हैं 3 दिन की, तो शायद सब घूमने जा रहे हैं क्योंकि जगह जगह जहाँ जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे वहाँ सब पे भीड़ लगी हुई, लाइन लग के भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ है और
सवा दस बज गए, मुजफ्फरनगर अब तक भी आया नहीं है। स्लो रखी है स्पीड। राइडर्स और भी मिले थे, वो कोई टीरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक भाई से बात हुई, वो टीरी जा रहे, पूरा ग्रुप है दिल्ली का, दिल्ली गुड़गांव का। तो भाई हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं, पर ये तो अब तक मामला स्लो ही चल रहा है। एक एक कोहरे ने ऐसी तैसी करा दी आज। कैसे होगा भैया, कैसे? मुजफ्फरनगर बाईपास नहीं पकड़ूंगा, मुजफ्फरनगर के अंदर से जाऊंगा, शॉर्ट पड़ेगा, जल्दी निकल जाऊंगा, बाईपास लंबा पड़ेगा, ये मैंने सोचा है अभी तो। बाकी देखते यार, स्पीड स्लो ही रखूंगा, ज़्यादा तेज नहीं चलानी। भाई ने नई बुलेट ली, एकदम चमकती हुई, देखो ये शायद बटालियन ब्लैक नए वाली, नंबर भी नहीं पड़ा अभी। भाई ये शिव चौक मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक, देख लो मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक शिव चौक। जय शिव शंकर महाराज। रुड़की है 29, हरिद्वार 60, और हमें जाना ऋषिकेश। रिजोकी था, दिखा रहा था ऋषिकेश हमें करीब 90 किलोमीटर। ओए होए, गाड़ी वाला कहां से आ गया, देखो रॉन्ग साइड से भाई ऐसे लोग आ जाते हो तो क्या कर सकता है यार। रिपोर्ट करो इसके नंबर की, देखो रास्ता ले लिया मंगलौर से नहर, नहर किनारे, गंग नहर के किनारे किनारे वाला खाली पड़ा हुआ, क्योंकि हाईवे पे तो भाई बहुत ही भीड़ है आज, विकट भीड़ है, विकट गजब की भीड़। और सेफ सा भी नहीं लग रहा था चलना वहाँ पे, तो मैंने ये वाला ले लिया रास्ता, गंग नहर के किनारे वाला, और रोड भी अच्छी लग रही है अभी तक, और इस पर ज़्यादा ट्रैफिक सा भी नहीं दिख रहा। गंगा स्नान की वजह से बहुत ही भीड़ है भाई आज तो हाईवे पे। बाकी देखते हैं रास्ता कहाँ तक कितना बढ़िया है और कहाँ तक ट्रैफिक इस पर नहीं है। और देखो गंग नहर, गंगा जी से निकली हुई गंग नहर। भाई आ गया रुड़की, और अगर आप इस गंग नहर के किनारे किनारे चले जाओगे तो आप सीधा निकलोगे हरिद्वार, तो आपका हाईवे बच जाएगा। और फिलहाल इस रोड पे कोई ज़्यादा भीड़ है नहीं, भीड़ भी नहीं है, रास्ता भी अभी तक ठीक है। रेलवे का पुल है, इधर काम चल रहा है, इधर भी, इधर भी। बचपन में मेरे फादर की पोस्टिंग थी रुड़की में, तो मैं साइकिल चलाता था इस रोड पे। आगे जाके इसी रोड पे एक जादूगर रोड आती है रुड़की के अंदर ही, जो रुड़की के रहने वाले उन्हें मालूम होगा। बहुत स्पीड ब्रेकर दे रखे। यह है शेर का पुल, ऐतिहासिक शेर का पुल है ये, शेर ही रे, दिखाता हूँ आपको। ये पुल शेर का पुल है, पर हमें अगले वाले पुल से जाएंगे। ये रुड़की है भाई शेर का पुल। अबे भीड़ लगी हुई है यार, ये भाई शेर, ये रे। हरिद्वार है यहाँ से 32 किलोमीटर सीधे। इतनी प्यारी ताजी हवा आ रही है भाई, अबे वाह, जिनके यहाँ घर होंगे इतना अच्छा लगता वो ना। अब आगे आगे और भी अच्छे नज़ारे आएंगे दोस्तों, बने रहिएगा दी। और ऊपर से निकल रही है नहर, मेरे लेफ्ट में देख रहे हो नहर है, और ये नदी है, ये देखो ये रही नहर और ये रही नदी।
और ये सिर्फ यही है ऐसा, ये नदी है राइट में, बहुत बड़ी बरसाती नदी है शायद। और ये इधर लेफ्ट में मेरे नहर है, इधर लेफ्ट में नहर, राइट में नदी, और ऊपर से रास्ता भी जा रहा है। वाह, वो सामने दो शेर उधर है रुड़की के, और दो शेर ये इधर है, और एक ना गाना है नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ, उसमें बीच में वो एक बार इन शेर पे भी बैठता है, उसका जो पिक्चराइजेशन है देखना उसे, बहुत पुराना गाना है भाई। देख रहे हो ये मज़ार, कलियर शरीफ की मज़ार है भाई, कलियर शरीफ की मज़ार, यहाँ कुछ भी मांगो पूरा होता है, कभी आओ तो कलियर शरीफ की मज़ार पे ज़रूर आना एक बार, बहुत मान्यता है यहाँ की। तो भाई नहर के किनारे किनारे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे, हाईवे पे कुछ नहीं मिलेगा देखने को, इतना लंबा जाम है गंगा स्नान की वजह से, बहुत लंबा जाम है भाई। देखो अब बहुत ही लंबा जाम है, ये लो भाई तुम्हारे लिए गंगा जी के दर्शन। भाई ऋषिकेश रह गया यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर ओनली, ओनली 13 किलोमीटर रह गया। अब मेरे को जाना तपोवन की तरफ, वो एक बार मेरे को गूगल मैप लगाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि तपोवन किधर को पड़ेगा, तो गूगल मैप लगाते हैं जरा रोक के कहीं बाइक, और भूख भी लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए। भाई मैप बता रहा है अभी 21 मिनट और लगेंगे अभी हमें पहुंचने में, तो देखो कहाँ ले जाएगा मैप, सही भी ले जा रहा है या गलत ले जा रहा। हमें जाना है गो प्लस कोस्ट ऑफ प्लस पे, इसके अनुसार 21 मिनट है यार, पता नहीं ये सही भी पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, कहाँ पहुँचाएगा कुछ नहीं पता। मैं चले जा रहा हूँ, ये सिटी तो कहीं दिख नहीं रही रही इसकी कुछ, पर हाँ ऋषिकेश जरूर लिखा है, देखो ऋषिकेश लिखा आ गया तो है मेरे को कि हाँ ऋषिकेश में ही मैं घूम रहा हूँ, पर तो देखो कैसे आ रहा था यार ये छपरी राइडर, राइडर भी नहीं है तो छपरी है, कैसे चला रहा था। बाकी जंगल बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार, और यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे हैं, कहाँ हो जाएगा गूगल मैप देखते हैं। अभी तक तो कोई भीड़ है सच मिली नहीं यहाँ पे, हरिद्वार में बड़ी भीड़ थी यार, बड़ी गंदी भीड़ थी हरिद्वार में भाई, ए भैया ये बस वाले भी कैसे चलाते हैं बिल्कुल। अरे कहाँ ले जा रहा अभी कुछ नहीं पता, फिर पता नहीं 16 मिनट का दिखा दिया इसने रास्ता यार। अरे गाइस बंद हो गया क्या, ये रिवर राफ्टिंग के लिए बोट जा रही है भाई, कैसे ऊपर ले जा रहे बोट को, कैसे देखो छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे जा रही है अभी राफ्टिंग के लिए मैं, और ये हो रही है राफ्टिंग।
बिल्कुल बेसिकली भाई ये नीर झरना अवेलेबल कर दो और हमारे एंट्री के 30 रुपये लगते हैं नीचे टिकट ले कर की पार्किंग है गरीब बाइक की पार्किंग है और ये ऐसे नीचे यहाँ पे जा रहा है नीर झरना 30 रुपये की एंट्री 20 के लिए नीचे एक बंदे के 30 रुपये So guys, this is the room and this is the view. Look, beautiful. This is my bed. This is me. Look. The bathroom. Shower area. Clean. Good. Swimming pool. तो भाई आज कुछ नहीं खाया था तो मैंने मंगाई माई मैगी और चाय खा के बाद भाई याद दिलाइयो भाई सुपर रख ले सबसे पहला काम उठने के बाद पंचायत करा दे पानी प्यास लगी ना घर में जाओगे तो पहले बियर सब करेगा भाई उसके पानी नहीं मिलेगा पानी की जगह बियर मिलेगा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बकचोदी कर रहे हैं दोस्तों बहुत सारी बकचोदी बहुत सारा फन स्टार्ट द बकचोदी ये तो बिल्कुल यार डाई हार्ड जॉन फॉगर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब मुस्कुराइए आप कैमरे में हो मतलब हम कैमरे में आप फोन में हां क्या गाइस बीएम वाला क्या चल रहा है हां सो मैं यहां पे आया हूं जस्ट बिकॉज़ आई हैव टू बाय बस माय वर्क फ्रॉम ऑफिस ये जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है घटिया ऑफिस है वो थोड़ा सा घर पे रखे मैं यहाँ पे सिनेमैटिक हो गया फुल सिनेमैटिक हुआ है फुल सिनेमैटिक आया यहाँ कोई दारू नहीं पी रहा है गाइस यहाँ तक आए गए हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत बोलना प्लीज इसने अच्छी बात बोली है लवली 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 लवली
हाँ आप कुछ कह रहे थे वो? मैं कह रहा था ये जो माहौल है ये बहुत सोशलाइज्ड वाला माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से जो भी हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या कैसे क्या होनी है क्या नहीं होनी। बड़े डिसेंट, बहुत बहुत डिसेंट। पांडे जी एकदम बेहतरीन शॉट जाते हुए प्लस ऋषिकेश ये देखिए 12:30 सोने धोने रहे हैं हम। नजाकत लूट किए कुछ तो कह रहे थे आप।